अरेंजमेंट ऑफ नंबर, कैसे रहे नंबर को अरेंज कैसे करना है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। बट ये अरेंजमेंट कैसे करना है, नंबर इन रोज एंड कॉलम। अब बोलेंगे रोज एंड कॉलम मतलब व्हाट, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों का नंबर सेम चाहिए। एग्जाम्पल, मेरे पास नंबर है 1, 3, 4, 7 और ये अरेंजमेंट बिटवीन टू बार। न्यू चैप्टर सर? हाँ न्यू चैप्टर, यस हाँ न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट। बेसिक में मैट्रिक्स पूरा नहीं हुआ, मैट्रिक्स का सिर्फ बेसिक शुरू हुआ। मैट्रिक्स में हम क्या सीखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, एंड सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें और चार पांच टाइप ऐड हो जाएंगे। तो ये डिटरमिनेंट हमने कल ही बोला था कि टुमारो मतलब आज हम डिटरमिनेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट में नंबर का अरेंजमेंट होता है, बट इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। अगर आपके पास एक रो है, दूसरा रो है, तो दो कॉलम चाहिए, ये डिफरेंस है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी रो चलते कितने भी कॉलम चलते, रो और कॉलम है। तो ये रो 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 जितने रो है उतने कॉलम, तो ये डिटरमिनेंट है 2 by 2, तो इसका ऑर्डर है 2 या 2 by 2, 2 by 2 को हम 2 ही बोलेंगे ना, ये डिटरमिनेंट है। अब और एक दूसरा एग्जांपल, 4, 7, 8। अब मुझे बताइए मुझे कितने रो लेने पड़ेंगे, अगर मैंने 3 कॉलम लिए तो हाउ मेनी रोज आया, 3 कॉलम तो 3 रो, 3 रो मेरे पास कुछ भी एलिमेंट है, 2 - 3 - 3 + 1, तो ये है 3 by 3, इसका ऑर्डर है 3। अब जनरल कैसे दिया जाता है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को फिर से डिटरमिनेंट आपका है, तो ये जो डिटरमिनेंट है ये जनरली ऐसे दिया जाता है, ए स्मॉल ए आई जे, स्मॉल ए आई जे एन बाई एन, मतलब अगर मेरे पास ए आई जे 2 by 2 है तो मैं कैसे लिखूं, A11, A12, A21, A22, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर हम लिखते हैं स्मॉल ए आई जे 3 by 3 तो मुझे नंबर के प्लेसेस भी पता चाहिए, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यह है हमारा डिटरमिनेंट। अब हम पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ 2 by 2 डिटरमिनेंट। देखो वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मेरे पास डिटरमिनेंट है समझो ए बी सी डी, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, ये पहला, इसे कहते हैं पहला क्रॉस प्रोडक्ट ए डी, और इसे कहते हैं दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट बी सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 by 2 डिटरमिनेंट। 2 by 2 के वैल्यू से हम 3 by 3 वैल्यू तक जाते हैं, पहले 2 by 2 का वैल्यू होता है। एग्जाम्पल 2 by 2 के वैल्यू का एग्जाम्पल, हम ये इसका वैल्यू निकालेंगे 1, 3, 4, 7, इसका जो वैल्यू है 7 × 1 = 7, 4 × 3 = 12, तो आंसर आया है -7। सर नहीं दिख रहा, का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, ये मॉड नहीं है डिटरमिनेंट है। तो राइट डाउन ऑफ टू दिस, हम जाएंगे 3 by 3 डिटरमिनेंट का वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं।
अब हमने देखे टू बाय टू वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट साइमल्टेनियसली लिखते जाइए और समझते भी जाइए, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। थ्री बाय टू बाय टू का और एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ। टू बाय थ्री मेरे पास कम जो डिटर्मिनेंट है फोर माइनस फोर थ्री एट टू, हमने ये डिटर्मिनेंट लिया था आपको याद होगा, ऐसे वैल्यू हमने लिए थे। तो इसका वैल्यू क्या रहता है, माइनस फोर इंटू टू पहला क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट माइनस एट इंटू थ्री माइनस एट, ये माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फोर, तो हमारा आंसर सिक्सटीन आया। समझे आप लोग टू बाय टू डिटर्मिनेंट? यस सर। अब वैल्यू ऑफ थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट ये भी हमने बताई है, बट आज हम और अलग बताएंगे वैल्यू ऑफ थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट, डिट भी बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मेरे पास ये जो डिटर्मिनेंट रहता है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पहला मेथड Along first row कैसे निकाला जाता है उसका वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू इसको ऐसे डिनोट किया जाता है या डी से डिनोट किया जाता है, डेल्टा या डी से डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू इसका वैल्यू। अब देखो पहला रो, पहले रो में कौन कौन है, ए वन वन है, ए वन वन है, ए वन टू है, हम पहले रो से वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये वन वन, ये वन वन का रो छोड़ने का कॉलम भी नहीं लेने का, उसका रो और कॉलम डिलीट करके जो टू बाय टू डिटर्मिनेंट बचता है उसका वैल्यू, मतलब हम थ्री बाय थ्री जब कैलकुलेट करते हो तो एक्चुअली टू बाय टू ही कैलकुलेट करते हैं। तो ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ये थ्री थ्री, ये हमारा पहला नंबर रहेगा, पहला एलिमेंट ए वन वन, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देने का, उसका साइन कुछ बदलने का नहीं, साइन कन्वेंशन रहता है। पहले रो का साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन पहले रो का ये है साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट रो, पहला प्लस मतलब नो चेंज इन साइन। अब माइनस मतलब हमारे मन से इधर माइनस लिख लो, हम लिखेंगे माइनस, फॉर्मूला का माइनस, फिर ये एलिमेंट जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस, उसको पूरा ब्रैकेट में उसको उसकी जगह लिख ले, फिर उसका रो जाएगा उसका कॉलम जाएगा, तो जो डिटर्मिनेंट हमारा बचता है ए टू वन ए टू थ्री ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। अब ये हुआ दूसरा नंबर, दूसरा वैल्यू। अब हमें थर्ड, तीसरा साइन क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस मतलब ये क्या, इसका कॉलम कॉलम भी ए टू वन ए थ्री वन ए थ्री टू, इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिर्फ इसका साइन वैसे रहता है, इसका साइन चेंज होता है वैसे रहता है, मतलब सेम साइन चेंज साइन एंड सेम साइन। हम अभी एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, यही डिटर्मिनेंट आज हम सॉल्व करेंगे, ये इसके ऊपर सब रहेगा। सर आपने जो ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल वो ट्रायंगल है क्या एक्चुअली? वैल्यू के लिए ट्रायंगल का नोटेशन, डिटर्मिनेंट के वैल्यू के, कुछ लोग इससे डिनोट करते कुछ लोग डी से भी डिनोट करते, और कुछ सर एक बार जो प्लस ए वन थ्री जहाँ पे लिखा है तो उस मतलब उसके लिए क्या कंडीशन ली, कौन से रोज और कौन से कॉलम छोड़ दिए थे? उसका रो और उसका कॉलम छोड़ के। श्री व्यवस्थित दे रहे
A13 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ने का, तो ये फर्स्ट रो जाए थर्ड कॉलम गया, A21, A22, A31, A32, यू गॉट इट? हेलो। और सर जो माइनस A13 लिखा है वो उसके अंदर जो वो A13 नहीं लिखा है, माइनस नहीं है, प्लस A13 है। हाँ बोलो। सॉरी A12 प्लस माइनस A12, फिर से बताता हूँ, फिर से पहले से देखो, ये पहला रो लेना है A11, A12, A13, तो इसमें सेम साइन मतलब प्लस A11, इसमें चेंज साइन मतलब माइनस A12, और इसका फर्स्ट रो जो प्लेस है उसका रो और उसका कॉलम जाएगा 1 2, उसका प्लेस एंड उसका कॉलम जाएगा, तो फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, ये नहीं है, तो A21, A23, A31, A33, यू गॉट इट? यस सर। आ सिमिलरली तीसरे के लिए, चलो हम प्रॉब्लम में A123, 231, 321, हमें इसे फाइंड करना है ये वैल्यू को, तो पहला रो अलोंग फर्स्ट रो, तो इसका साइन क्या रखेंगे, प्लस मतलब वन, साइन कन्वेंशन बताते, प्लस माइनस प्लस अलोंग फर्स्ट रो, हर रो और हर कॉलम का यूज कर सकते हैं हम डिटरमिनेंट के वैल्यू के लिए, वी कैन यूज सेकंड रो आल्सो, सेकंड कॉलम आल्सो, थर्ड रो आल्सो, थर्ड कॉलम आल्सो, फर्स्ट कॉलम, अभी हम फर्स्ट रो से ले रहे, तो इसका साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस, सिर्फ साइन कन्वेंशन बदलता, अब इस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ने, अब जो एलिमेंट लेते हैं उसका रो और कॉलम छोड़ देने, तो ये कौन से रो में है, पहले रो में, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, ये छोड़ दिया तो क्या रह गया, 3 1 2 1, 3 1 2 1, काम खेल खत्म, अब नेक्स्ट नंबर है माइनस, माइनस नंबर क्या है 2, तो फिर नंबर लिख लो माइनस 2, उसका रो जाएगा उसका कॉलम जाएगा, चलो दूसरे नंबर का रो गया है, वो रो तो वही है, कॉलम जाएगा सिर्फ, सेकंड कॉलम जाएगा, अभी तो पहला रो लेने ही नहीं वाले नहीं हम, अलोंग फर्स्ट रो में पहला रो नहीं रहता है, उसको छोड़ के अभी सेकंड कॉलम जाएगा 2 1 3 1 2 1 3 1, मतलब पहले पहला कॉलम जाएगा, फिर दूसरा कॉलम जाएगा, फिर तीसरा कॉलम जाएगा, पहला रो तो जाता ही है, पहला रो तो नहीं थे, मग पहला कॉलम जाईल, मग दूसरा जाईल, मग तीसरा जाईल, आता तीसरा कॉलम, प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन, प्लस नंबर क्या है 3, अब उसी का रो और उसका कॉलम, इसका रो पहला से उसका कॉलम तीसरा है, 2 3 3 2 2 3 3, अब हमें ये 2 by 2 डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 - 2 3 - 2 -2 इंटू ब्रैकेट में 2 - 2, तो हमें 2 by 2 एक्चुअली कैलकुलेशन करना होता है, प्लस 3 × 2 × 2 = -9, अब ये कैलकुलेशन आप लोग करोगे 1 × 3 - 2 1 -2 × 2 - 3 -1 +3 × -5 कैलकुलेशन करो 1 - -2 - 15 = -12, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो -12, यस सर, समझ में आया? यस सर, बहुत ही सिंपल है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, -12 आया, उसका साइन कन्वेंशन हमने आपको बता दिया प्लस माइनस प्लस,
कैसे सर? सर यस बोलो सर, कैमरा नीचे ला थोड़ा। यस सर। It was along first row. अब हम आपको second row, third row, first column, second column, third column से बताएंगे expansion of the same determinant. ये था पहले रो along first row. तो along second column कैसे रहेगा? First column हुआ, first row हुआ, अभी along first column, along second row. सेकंड रो के लिए साइन कन्वेंशन हम बताते हैं। पहले रो का साइन कन्वेंशन इधर लेफ्ट साइड में है, साइन कन्वेंशन। अब मैं सभी का साइन कन्वेंशन राइट साइड में लिखता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आपको याद रखना कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ये पहला रो है, प्लस से शुरुआत है, प्लस माइनस प्लस। अब दूसरे रो में अब हम उधर गए ना प्लस तक, फिर माइनस से शुरुआत करनी थी, माइनस प्लस माइनस। तो दूसरे रो का साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस माइनस। समझे अब लोग? यस सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अलॉन्ग सेकंड रो लिख रहे हैं मैं, आई एम गोइंग टू राइट अलॉन्ग सेकंड रो। अलॉन्ग सेकंड रो कैसे रहेगा? ये रो लेना है हमें, तो माइनस ए टू वन। हेलो सर। हाँ सर, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब, पर ब्लर दिख रहा है थोड़ा। हाँ ब्लर है सर, जूम करो ना। जूम मत करो सर, जूम करे तो और ब्लर होगा। अभी हाँ, अभी थोड़ा कम जूम करो, अभी क्लियर है पूरा, थोड़ा कम जूम करो, थोड़ा और चलेगा। नीचे का नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ नीचे का नहीं दिख रहा है, थोड़ा कम जूम करो। हाँ बस 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 सर, कैमरा थोड़ा ना। हाँ बस सर, बस ये जो कैलकुलेशन है, अभी नीचे का छोड़ दो, अभी हम उधर वहां तक देखेंगे। ये जो है माइनस ए टू वन, सेकंड रो का कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सब देखेंगे हम। ये हमने पहले रो से वैल्यू लिया था, वो आया था माइनस ट्वेल्व। अब हम सेकंड रो से वैल्यू निकालेंगे इसी डिटरमिनेंट का, वन टू वन, टू थ्री वन, थ्री टू वन। तो मुझे ये सेकंड रो पूरा डिलीट करना है, तो साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस माइनस। पहला एलिमेंट है ए टू वन माइनस साइन लगाने का, फिर ए टू टू उसको प्लस साइन लगाने का, और फिर माइनस ए टू थ्री उसको साइन लगाने का माइनस। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। तो ये बाकी बाद में लिखूंगे, उसका रो उसका कॉलम छोड़ देने का, सेम थिंग इज देयर। अलोंग सेकंड रो, अलोंग सेकंड रो माइनस टू,
समझे माइनस फिर प्लस थ्री एंड लास्ट माइनस वन. अब ये टू बाय टू डिटर्मिनेंट कौन सा, ये जो सेकंड रो का पहला एलिमेंट, रो तो चला जाएगा, रो नहीं आएगा, वो रो भी चला जाएगा, अभी उसका पहला कॉलम जा, पहले पहला कॉलम जाएगा, तो कौन बच गया, ये भी गया, ये भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, तो टू वन टू वन, टू वन टू वन. कोई डाउट किसी को, कुछ डाउट, एनी डाउट? सर सर टू वन. अब दूसरा एलिमेंट प्लस थ्री, साइन कन्वेंशन से माइनस प्लस माइनस प्लस थ्री. हेलो. हाँ सर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यस डिलीट करेंगे, ये सेकेंड रो भी जाएगा सेकेंड कॉलम, तो बचेगा वन वन थ्री वन. ध्यान दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन वन थ्री वन. अभी लास्ट सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट यानी थर्ड कॉलम, सेकेंड रो तो रहेगा थर्ड कॉलम भी जाएगा, वन टू थ्री टू, वन टू थ्री टू. अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे, माइनस टू इंटू ब्रैकेट टू माइनस टू जीरो, प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट वन इंटू वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री, माइनस वन इंटू, माइनस वन इंटू टू, ये नंबर टू, टू माइनस थ्री टू आर सिक्स, ये आ गया हमारा नंबर. तो हम आगे लेके जाएंगे इसको, देखिए कैसा है. माइनस टू है, माइनस टू है सर, माइनस टू आंसर आता है, जीरो. हाँ बोलिए, माइनस टू आंसर, माइनस टू आंसर आता है, टू इंटू वन माइनस थ्री हमारा क्या आएगा, माइनस, माइनस वन इंटू टू माइनस सिक्स कितना है, माइनस फोर. Is it right? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Hello. ये पहला बराबर है क्या आपका? Second row, second column गया. दूसरा 1, 1, 3, 1. फिर third column गया 1, 2, 3, 2. पहला column गया. पहला column क्या है? ये तो टू वन टू वन जीरो. माइनस प्लस थ्री इंटू टू माइनस थ्री, ये टू है, टू ये टू होना चाहिए, ये एक देख लो, टू वन थ्री वन नहीं, वन वन थ्री वन बराबर है, ये वन टू थ्री है, ये वन टू थ्री है, वन टू थ्री याद रखो, ये वन टू थ्री हमारा पहला बैट डिटर्मिनेंट, वन टू थ्री है ना. हेलो, ये थ्री है, थ्री तो ये थ्री रहेगा, देख लो. हेलो, ये थ्री है तो ये थ्री है, तो ये एलिमेंट बदलेंगे, टू वन थ्री, टू थ्री जीरो नहीं आएगा, चेंज हो जाएंगे. सर आपने माइनस थ्री क्यों लिया? नहीं 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 नहीं, हमने ये थ्री लेना चाहिए ना, डिटर्मिनेंट ये लेना चाहिए, वन टू थ्री, टू थ्री वन, थ्री टू वन. तो पहला एलिमेंट माइनस, ये साइन कन्वेंशन है सेकंड रो का, पहला माइनस फिर प्लस फिर से माइनस, उसका रो जाने दो, उसका कॉलम जाने दो, ये भी गया, ये भी गया, तो रह गया टू थ्री टू वन, टू थ्री टू वन. अब प्लस, प्लस क्या थ्री, ध्यान दीजिए फिर से, एलिमेंट लिखते समय हमने वन लिया था, थ्री प्लस थ्री, मुझे वही डिटरमिनेंट लेना है इसलिए हम ले रहे थ्री, उसका रो जाएगा, उसका कॉलम वन थ्री थ्री वन, प्लस माइनस प्लस माइनस वन, टू थ्री वन, उसका रो जाएगा, उसका कॉलम जाएगा, वन टू थ्री टू, वन टू थ्री टू, वन टू थ्री टू, क्योंकि ये जा गए. अब कैलकुलेशन, माइनस टू इंटू, ये जीरो नहीं आ रहा, टू माइनस सिक्स,
यानी माइनस फोर आएगा प्लस थ्री इंटू वन माइनस नाइन माइनस एट आएगा माइनस वन इंटू टू माइनस सिक्स इट विल बी माइनस फोर सो माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस थ्री इंटू माइनस एट माइनस वन इंटू माइनस दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा टू फोर गार एट माइनस है यस और एक प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस हुआ ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर यू गॉट द सेम वैल्यू मतलब आप रो वाइज लेते हो या कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहता है उसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम रो वाइज कैलकुलेट करें या कॉलम वाइज कैलकुलेशन का साइन कन्वेंशन अलग है प्रोसेस सेम है उसका रो उसका कॉलम नेक्स्ट का रो नेक्स्ट का कॉलम नेक्स्ट एलिमेंट का कॉलम जाएगा रो भी जाता है फिर साइन कन्वेंशन का लेना है प्लस माइनस प्लस पहले रो के लिए माइनस प्लस माइनस दूसरे रो के लिए आने वाला वैल्यू सेम है क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक ही वैल्यू रहती है यूनिक वैल्यू रहती है यू गॉट इट हेलो यस सर तो अभी हम आपको बता दे साइन कन्वेंशन फॉर थर्ड रो तो आप मुझे बताइए गेस करके थर्ड रो का साइन कन्वेंशन क्या हो सकता है पहले का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बताइए क्या होगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ये हुआ थर्ड रो का साइन कन्वेंशन तो अलोंग थर्ड रो कैसे रहेगा अलोंग थर्ड रो प्लस ए थ्री वन माइनस ए थ्री टू प्लस ए थ्री थ्री ये अलोंग थर्ड रो रहेगा इसी प्रॉब्लम को हम अलोंग थर्ड रो कैलकुलेट करोगे करो आप लोग देखो माइनस ट्वेल्व आता है क्या और आपको आएगा क्या देख लीजिए नहीं तो हम फिर से आपको बता देते दो लोगों को आया तो बाकी लोगों को भी आ सकता है ट्राई की सर हाँ बोला सर फर्स्ट और थर्ड सेम है तो सेम ही आएगा ना हाँ सेम ही आने वाला थी बट आपको कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं चेक करो ना ओके सर साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस फर्स्ट एंड थर्ड का साइन कन्वेंशन सेम है सेकंड रो और सेकंड कॉलम का साइन कन्वेंशन सेम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम का साइन कन्वेंशन सेम है ये जो चार्ट है ना साइन कन्वेंशन का यही चार्ट हम रो और कॉलम को दोनों को यूज करते सर क्या बोला सर वो ये जो साइड में दिया है वन टू थ्री टू थ्री वन थ्री टू वन तो उसमें सेकंड रो में टू थ्री टू है तो वन रहना चाहिए ना लास्ट में सेकंड रो में कहा है टू थ्री टू सर सेम आता है सर आंसर माइनस ट्वेल्व आ गया माइनस ट्वेल्व आया आपको आया समझ में गुड गुड और कौन किसका क्वेश्चन है सर मेरा भी सही आया हाँ बोलो ना सेम आ रहा है सेम आ रहा है हाँ कैलकुलेशन समझ में आया थर्ड रो से भी आंसर सेम आता है मतलब वी कैन यूज एनी रो कैलकुलेशन के लिए वी कैन यूज एनी रोज और एनी कॉलम अब कॉलम वाइज जाएंगे चलो कुछ लोग ट्राई करो थर्ड रो का साइन कन्वेंशन बता दिया है प्लस माइनस प्लस अब कॉलम का साइन कन्वेंशन इस तरह ही है व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर द कॉलम कॉलम के लिए ऐसा ही है जो आपका रो का कन्वेंशन है वही कॉलम के लिए यूज करना है
सेम साइन कन्वेंशन, ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पहला कॉलम आया तो साइन कन्वेंशन क्या आया अलोंग फर्स्ट कॉलम, प्लस माइनस प्लस अलोंग फर्स्ट कॉलम, बोलिए कन्वेंशन फर्स्ट कॉलम में सेम साइन कन्वेंशन है, कुछ भी चेंज नहीं अलोंग फर्स्ट कॉलम, क्या है साइन कन्वेंशन देखो प्लस, तो ये फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है याद रखना है, ए वन वन ए वन वन ये फर्स्ट कॉलम ए वन वन प्लस है, उसका रो उसका कॉलम चला जाएगा, इसका कॉलम भी जाता है रो भी चला जाता है, कौन बचता है फिर ए टू टू ए टू थ्री, ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस साइन हुआ अभी माइनस साइन, ए टू वन पहला कॉलम रहेगा, वी आर टेकिंग द फर्स्ट, अपन पहला घेतो ए टू वन सेकंड रो आणि पहिला कॉलम, कॉलम फर्स्ट आहे त्याचा रो पण जाईल, त्याचा कॉलम तर गेला पण रो पण गेला, म्हणजे ए वन टू ए वन थ्री ए वन टू ए वन थ्री और उसका रो तो जा रहा है कॉलम भी जा रहा है, तो ए थ्री टू ए थ्री थ्री, अब आपको समझ में आया, और प्लस प्लस माइनस प्लस पहले कॉलम प्लस ए थ्री वन, तो उसका कॉलम भी जाएगा रो भी जाएगा, पहला कॉलम गया तीसरा रो गया, ये ऐसा एल शेप गया, ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू ए टू थ्री, आपको समझ में आया, अभी हम इसके ऊपर यूज करेंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम, ये चला गया तो पहला साइन उसका प्लस वन, जो साइन है उसको वैसे रखने का मतलब प्लस, माइनस मतलब चेंज द साइन ऑफ ओरिजिनल नंबर, प्लस वन उसका रो तो जाने वाला है, ये रो गया कॉलम भी गया, थ्री वन टू वन थ्री वन टू वन माइनस टू, यू विल ओके सेकंड रो भी जाएगा, पहला कॉलम तो जा रहा है सेकंड रो जा रहा है, सेकंड रो टू थ्री टू वन टू थ्री टू वन नहीं यस टू थ्री टू वन बिल्कुल सही यस, ये पहला कॉलम दे रहे हैं हम, पहला कॉलम नहीं रहेगा अभी, ये थ्री है उसका साइन प्लस, उसका रो और उसका कॉलम जाएगा, रो तो थर्ड जाएगा कॉलम तो जा रहा है पहला, टू थ्री थ्री वन टू थ्री थ्री वन, ये एल शेप बनता है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू टू माइनस सिक्स प्लस थ्री इंटू टू माइनस नाइन, कैलकुलेशन करो, अभी हमें ये आंसर मिल रहा है वन इंटू वन माइनस टू इंटू माइनस फोर थ्री इंटू माइनस सेवन, यू गॉट इट वन प्लस एट माइनस ट्वेंटी वन, नाइन माइनस ट्वेंटी वन इज माइनस ट्वेल्व, सर अगेन आंसर माइनस ट्वेल्व आता है, आंसर बदलता नहीं है, मैंने पहले स्टेट किया था, आई हैड स्टेटेड नो चेंज इन द आंसर, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर, नहीं बदलेगा, वैल्यू अगर बदल गई तो फिर उसको वैल्यू टू कहेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू अलोंग फर्स्ट कॉलम भी वही रहेगी, अब सेकंड कॉलम के लिए आपको साइन कन्वेंशन है, सेकंड कॉलम माइनस प्लस माइनस कर सकते हो, और थर्ड कॉलम के लिए है प्लस माइनस प्लस, करो सेकंड एज वेल एज थर्ड कॉलम, आपको करना है आपका कॉन्फिडेंस, आप अगर इसमें ट्रेन हो गए तो हम आगे जाएंगे, आप वहां से हाँ बोल रहे हैं हमको नोबडी इज गोइंग टू चेक वेदर यू आर डूइंग और नॉट, अगर बोल रहे हैं नहीं तो हम उसको बताएंगे, आपको समझ में आया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी कितने वेज हो गए, हाउ मेनी वेज यू गॉट टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, कितने हो गए टोटल वेज,
how many ways you are going to use to find the value of determinant? Six ways. सभी का आंसर माइनस 12 ही आता है, कॉलम टू हो या कॉलम थ्री, वी विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज माइनस 12, हमें वही वैल्यू मिलेगी। रो फर्स्ट हो, रो सेकंड हो, रो थर्ड हो, कॉलम फर्स्ट हो, कॉलम सेकंड हो, कॉलम थर्ड हो, वैल्यू बदलती नहीं, इसलिए तो उसे वैल्यू कहते हैं। सभी वैल्यू माइनस 12 आ रहे हैं। अभी हम जाएंगे सेकंड कॉलम की ओर। आ गए सर, माइनस 12 आता है। माइनस 12 ही आना चाहिए, आना ही चाहिए। माइनस 12 आ गया सर। आंसर बदलेगा नहीं। सेकंड कॉलम क्या है? टू माइनस टू, उसका रो जाएगा, उसका कॉलम जाएगा, टू वन जार टू, माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री, ये सेकंड कॉलम है, उसका रो भी जाता है, कॉलम भी जाता है, वन माइनस नाइन दैट इज माइनस, माइनस टू, माइनस प्लस माइनस टू, उसका रो जाता है, उसका कॉलम, वन माइनस सिक्स माइनस, फास्ट हमें आना चाहिए, माइनस टू माइनस वन प्लस टू माइनस 24 प्लस 10, 10 में 12 माइनस 24 माइनस 12, ये माइनस 5 टू जार माइनस 10 प्लस 10 हो गए माइनस 12, ये है सेकंड कॉलम डायरेक्ट। थर्ड कॉलम प्लस 3, 3 इंटू उसका रो, उसका कॉलम, 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस, ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो टू माइनस सिक्स माइनस फोर प्लस वन इंटू, ये रो भी जाएगा, थ्री माइनस फोर माइनस वन, तो ये माइनस 15 प्लस फोर माइनस वन, तो ये माइनस 12, एनी वे यू आर गेटिंग द वैल्यू, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बदलता नहीं है, आप रो वाइज लीजिए, कॉलम वाइज, अब चलो और सब नहीं बदलती है वैल्यू। नेक्स्ट रहने दो, अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के वैल्यूज हमें मालूम हो गए, कैसे कैलकुलेट करना, और एक बार हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है बताइए, माइनस 12 है ना। हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। चलो दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं, मेरे पास है मेरे माइनस थ्री, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कौन सा रो यूज करेंगे आप लोग, पहला टू इंटू पहला रो प्लस माइनस प्लस टू इंटू, देखो तो सही, पहला रो जाएगा, पहला कॉलम जाएगा, टू जाएगा, कॉलम जाएगा, एट माइनस जीरो वन फाइव माइनस फोर, उसका रो और उसका कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा, माइनस थ्री फाइव जीरो एट प्लस सेवन, उसका रो उसका कॉलम जाएगा प्लस सेवन, रो एंड कॉलम जाएंगे प्लस सेवन, माइनस थ्री वन जीरो जीरो। कैलकुलेशन करो, टू इंटू एट माइनस जीरो, माइनस फोर इंटू माइनस 24 सर, माइनस थ्री के वैल्यू में है क्या? हाँ, टू एट जार 16
माइनस माइनस प्लस 496 और ये जीरो, तो ये वन है सिक्स प्लस सिक्स टू, वन टेन, वन इलेवन। हेलो, अब हम वही डिटरमिनेंट ले लेंगे, फर्स्ट रो लिया था ना। अब देखो ये 247 है, ध्यान दीजिए, और ये है माइनस 315 और 00 ये। अब हम ले लेंगे अलोंग थर्ड रो, ध्यान दीजिए, थर्ड रो, थर्ड रो का साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अभी आपको थर्ड रो में ज्यादा जीरो है, दो जीरो है ना, तो पहला नंबर जीरो इनटू डिटरमिनेंट के कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, जीरो आएगा सर, जीरो आएगा ना, माइनस जीरो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए ये यूज होता है मेथड। कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये डिपेंड ऑन दिस डिटरमिनेंट और हमारा कैलकुलेशन। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा, ये की एलिमेंट की जरूरत है, चला गया, तो 2 4 माइनस 3 1 2 माइनस 3 4, तो ये जीरो, ये माइनस प्लस जीरो, जीरो हुआ, जीरो प्लस 8 इंटू 2 माइनस माइनस 12, तो ये हुआ 8 इंटू 14, 1 1 2, यू गॉट द आंसर। इसको कम टाइम लगता है, इसको ज्यादा टाइमिंग लगता है। एक मेथड हो गई, व्हाई वी आर यूजिंग प्रेफरिंग एनी वन ऑफ द वे, हम कौन सा भी वे क्यों यूज कर रहे हैं, एक ही यूज, कौन सा भी का, एनी वन क्यों, ओनली वन क्यों नहीं, तो करेंगे, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब हम और एक बात बताते हैं, अगर एक चेंज हम करते हैं, ये लिख लो पहले, लेट अस गो टू चेंज समथिंग, चलो व्हाई वी हैव टू यूज दिस वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, क्यों यूज करना, ये समझ में है, इसलिए आपकी मास्टरी होनी चाहिए, हर रो आपको एप्लीकेशन करते आना चाहिए, हर रो हर कॉलम। चलो हम और एक चेंज करें, वैल्यू हमारी कितनी आई है, 112, यू गॉट द वैल्यू 112, वी हैव द वैल्यू एज अ 112। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, कॉलम रो होगा, रो कॉलम हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो, पहला रो पहले कॉलम में लिखेंगे, देखो 247, फर्स्ट रो इंटरचेंज विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो माइनस 315, अला 90 डिग्री ने टर्न केला असं, पण तो वेगळा टर्न, 008। आप कैलकुलेट करो किसी भी रो किसी भी कॉलम से, मुझे आप बताइए वैल्यू वही आएगी, तो भी आंसर 112 आएगी, 112 आएगा ना, क्योंकि रो कॉलम इंटरचेंज हुआ तो वही होता है ना, क्योंकि हमारा अलोंग कॉलम, कॉलम वाइज रो वाइज वैल्यू अगर सेम है तो
तो रो का कॉलम होता, कॉलम का वैल्यू बदलता नहीं ना। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज ऑफ रोज कॉलम, वैल्यू सेम, वैल्यू बदलती नहीं है, सेम वैल्यू होती। मतलब ये 1 1 2, अगर हम इसको 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3 ऐसे लिखते हो इसको, तो वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। अभी आप का क्या करो, ये होने के बाद आपको एक टास्क देता हूं, अभी तुरंत करना क्या है आपको, व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, यही डिटरमिनेंट का अभी रो कॉलम हुआ, कॉलम रो हुआ ना, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम क्या करेंगे। ये पहला समझ में आया क्या सभी, पहला रो पहला कॉलम करो, दूसरा रो दूसरा तीसरा रो, तो वैल्यू बदलता नहीं है, डायरेक्ट इंटरचेंज कॉलम रो में होता है, रो कॉलम में हो रहा है। अब हम कॉलम और रो को इंटरचेंज नहीं करेंगे, दो रो को एक्सचेंज करेंगे प्लेसेस करो, कौन से भी दो रो एक्सचेंज करो प्लेसेस और वैल्यू निकालो। आप पहला रो और दूसरा रो का एक्सचेंज करो, या पहला और तीसरे रो का एक्सचेंज करो, किसी भी दो का एक्सचेंज करो एक दूसरे में, एक बार ही एक्सचेंज करो, दो बार मत करो। और मुझे वैल्यू आप बताइए कैलकुलेट करके तुरंत। दो रो एक जगह बदल दीजिए, पहले का दूसरा करो, दूसरे का पहला रो करो, और वैल्यू कैलकुलेट करो किसी भी तरह। सर नेगेटिव, सर नेगेटिव में 1 1 2 आया, वैल्यू नेगेटिव होती है बस। यस यस यस, रो रो में बदलेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज चेंजेस द साइन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, किसी भी दो रो में आप अगर इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज देयर प्लेसेस, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, रो सिमिलरली या कॉलम, आप कॉलम भी चेंज करके, कॉलम कॉलम में रो रो में, साइन चेंजेस, साइन ऑफ वैल्यू चेंजेस, मतलब क्या, इसका हम क्या करेंगे, पहला रो दूसरे रो के जगह जाएगा, दूसरा रो पहले, तो मुझे माइनस साइन करना पड़ेगा, माइनस, तो ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए वन टू ए वन थ्री जो कहे, एक रो वैसे जगह रहेगा, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, कोई दो रो को हम बदलेंगे, इंटरचेंज R1 एंड R2, माइनस 315
247008। अब ये कैलकुलेशन हम अलोंग थर्ड रो ही करेंगे ना, बेटर। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, एट इंटू उसका रो जाएगा उसका कॉलम, माइनस ट्वेल्व, माइनस थ्री, माइनस थ्री, एट इंटू माइनस फोर्टीन, माइनस वन वन टू। कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज करेंगे। चलो दो रो या दो कॉलम बदल गए, सिर्फ दोनों, तो वैल्यू निगेटिव होती है। यू गॉट माई पॉइंट? मेकिंग द चेंजिंग द साइन, मेकिंग सम चेंजेस, एक रो दूसरे रो के जगह जाता है, सिर्फ दोनों में बदल होता है। अब तीनों रो जगह प्लेस करेंगे, उसको कहते हैं साइक्लिक चेंज, वो हम कल देखेंगे। पहला रो दूसरे रो के जगह जाएगा और दूसरा रो तीसरे रो के जगह, तीसरा पहले, ऐसे दोनों के बदल दिया एक दूसरे। अब तीनों के साथ जगह बदलेंगे, तीनों के जगह बदल दो, वैल्यू बदलेगी नहीं, बिकॉज इट विल बी, ये दो बार हो जाएगा ना, मतलब तीनों के साइन चेंज, तीनों के प्लेसेस चेंज होने के लिए इसी चेंज को दो बार करना पड़ेगा। R1 R2 किया, फिर R2 R3 करो या कुछ भी करो, या R1 R3 करो, यू विल गेट ओरिजिनल साइन। कल देखेंगे हम, आज इधर ही रुक जाते हैं। धन्यवाद, माय टाइम इज ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा आप लोग नई बात सीखे क्या? नहीं, यस सर, मालूम था आपको पहले? ये सर मालूम नहीं था सर। ये आप तो ऐसा ही, आप तो बोले डिटरमिनेंट हुआ है सर। वो डिटरमिनेंट का आपने जो स्टैटिंग का सम लिया ना, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो दो वैल्यू थे आपने दिए ना क्या? हाँ हाँ, वो वाला हमको टेंथ में था। हाँ हाँ, ये थे, थे। ये वाला नहीं था, वही मालूम था स्टैटिंग वाला। यस यस यस। चलो आज हम, मैं रुकता हूँ इधर। थैंक यू। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Please don't go anywhere. Yeah, good morning. Please don't go anywhere. We will continue with our English class. If you want to drink water, you can drink it and be back in the class fast. In 2 minutes, we'll be starting the session. All right, so kindly turn on your videos, everyone, fast. Turn on your videos. Everyone, turn on your videos fast. Shantanu, Ayush, Srivastav, Sai, Rishikesh, Rameshwar, Ashutosh, Rishikesh Tupe,
Chaitanya, Prachyot, turn on your videos fast, beta. Fast, fast. We don't have time to waste. Okay, very good. I can see a few people. Very good. Okay, so good morning, everyone. Welcome back to another English class. Hope you all are doing good. Really sorry about what happened yesterday. We couldn't continue the class. So kindly pardon me for that. And I hope you all are doing good. Okay, today we will be going back to our grammar sessions. Two times in a week, we will do activity. So we will continue or go on with our activity the next week. From today, we will again continue to learn the next grammar topics. Rameshwar, is everything all right? Yes, ma'am. Okay. All right. All right, Ashutosh. All right, Chaitanya. Chaitanya, stop playing with the phone and listen carefully. Where is your notebook, Chaitanya? If you keep it in the bag, how are you going to write? Don't just stare at the phone, look like this, and don't write anything. Open your note and be in a studious mode. Sorry, ma'am. You're not here to watch any movie or something. You're here to learn. So you have to have your notebook open and you need to write whenever I ask you to. Okay? Very good. Fantastic. And I can see some people who have joined new. Sorry, I don't have the time to introduce because it's been already more than a week. So don't unnecessarily unmute your mics. And when I speak, nobody will speak. And whenever you want to speak something through the mic, introduce yourself and then speak. Okay, that is the golden rule. At least follow that. Okay, so today we are going to learn something again related to verbs. You must have heard what a question tag or a tail tag is. I know it's very easy for you. Obviously, you have learned it in your school days, in 10th, in board exam, you know what a question tag, what a tail tag is. So some people will not have a clear idea of what a question tag is, or they must have learned it in a different way, which gives them errors in answers. So anyways, whether you know it, whether you don't know it, it's okay. Listen to today's class and be a champ in question tag. That's my idea, basically. So over to the screen sharing. Let's together study what a question tag is and what are the things to be careful with the verb even before learning question tag. As you know, every verbs in English basically exist in a hidden form. For example, give me an example of a verb, Rameshwar. Ek verb ka example bolo, Rameshwar. Any verb, just give me an example of any verb. Was. What beta? Should. But a verb, main verb. Verb matlab kya hai? When somebody asks you the example of a verb, ek activity, can't you say that? Why are you saying is, was and all? I am just asking you a verb. Walking. हाँ ओके सो आईएनजी निकाल के बोलो वॉक ओके सो व्हेनेवर समबडी आस्क यू एन एग्जांपल जस्ट गिव अ वी वन ओके दैट इज हाउ यू नीड टू से एन एग्जांपल अंडरस्टूड वॉक ईट रन प्ले जंप सिंग टॉक टीच हियर लिसन इज ऑल आवर वर्ब्स ओके वी हैव लर्न वी वन वी टू वी थ्री सो व्हेन समबडी आस्क अ एग्जांपल ऑफ अ वर्ब दिस इज मेन वर्ब इज व्हाट यू नीड टू गिव यस इज वाज आई एम एन Is, was, am, are, was, where, and all are auxiliary verbs. Can, may, should, will. These are modal auxiliary verbs. Different types of verbs you have learned. Fine. So let's come back to walk. Rameshwar ne bola ek verb ka example, walk. Ye walk actually, dikhte mein walk hai, lekin walk ke piche is a combination of two words. Okay? That is what we are going to see. In the beginning part of the slide, the every verbs exist karte uske piche hidden or under combination hai do words ka wo kya hai aur verbs click karne mein humko kya milta hai. Just say something of chemistry. Water is the combination of which all molecules? Hydrogen and oxygen. Hydrogen and water. Hydrogen and water. Oxygen. Yes.
two hydrogen molecules and one oxygen molecule combines to give a water molecule, है ना? लेकिन हम देखते हैं तो water क्या है? Water है. Can you see any hydrogen in water? Every time you are drinking water, I'm drinking, I'm tasting hydrogen. इससे taste करते हैं क्या hydrogen को? No. You will not get to taste hydrogen. You will not get to taste oxygen. But that doesn't mean that it doesn't have hydrogen. है ना? Hydrogen का कितना molecule है? दो molecule है उसमें. Oxygen का भी एक molecule है. Together it makes us different substances called water. So this is what I'm talking about. Every verb in English also has something in it. If you split, you will get it. Okay? So first let's see splitting of the verbs because it helps you in making your question tag more easier. So be with me. Don't go anywhere. Listen carefully. We have wonderful exercises after each learning topic. So make sure that you are getting it right. Over to screen sharing. Okay, can you all see the screen? Rishikesh, yes, Thupe, can you see the screen? Okay. Yes, ma'am.